सो हाई फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई जस्ट होप कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक अमेजिंग फ़ोन की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, जो कि मैंने अभी अभी परचेस किया है। जो कि अगर आप 8,000 रुपये में कोई भी फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं तो बेस्ट ऑप्शन है, अगर आपका बजट 8,000 रुपये है। तो देखिए, ये मोबाइल है, ये ओप्पो का मोबाइल है, ओप्पो A3s। तो आज हम इसी की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हाय फ्रेंड्स, ये है ये मोबाइल जो ओप्पो का है, ओप्पो A3s। तो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। बॉक्स के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। बॉक्स में साइड में आपको लिखा है वो मिल जाता है द इंडियन क्रिकेट टीम स्पॉन्सर। फ़ोटो मिल जाता है फ्रंट में आपको, बिगेस्ट बैटरी, ड्यूअल कैमरा, ओप्पो A3s। ओके, तो ये चलो बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। यार बॉक्स उसका बहुत टाइट है। टाडा, सबसे पहले हमें ये मिलता है ओप्पो की तरफ से देखने को, इसमें क्या देख लेते हैं। चलिए ऊपर यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ये जो पिन है वो आपको सिम कार्ड इंसर्ट करने के लिए मिलती है। आपको सिम कार्ड इंसर्ट करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये एक कवर है, ये एक गाइड बुक है जिसमें कुछ मैनुअल है, अगर आप फ़ोन को यूज़ करना नहीं जानते हैं तो इसे पढ़ के सीख सकते हैं। कुछ काम की चीज़ नहीं है, सब जानते हैं कि फ़ोन को कैसे यूज़ करना होता है। ये हमारा मोबाइल है ओप्पो, देखिए। ये फ़ोन के बारे में बाद में बात करते हैं, पहले हम अंदर के एसेसरी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये कुछ ख़ास नहीं है, इसकी मदद से आप अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। ये चार्जर, ये डेटा केबल है जो आपको फ़ोन के साथ ही मिलती है। देखिए ये रही, ये डेटा केबल है, आपको ये ऐसा चार्जर मिलता है। तो चलिए हम पहले इसको अंदर रखते हैं, सबसे पहले इसको साइड में रख देते हैं और फ़ोन के बारे में बात कर लेते हैं। ये है फ़ोन ओप्पो का। मैं एक बात बता दूं फ्रेंड्स कि मैं इसको अनबॉक्सिंग करूँ उससे पहले मैं इस फ़ोन को ओपन करके देख चुका हूँ, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं इसको वापस ओपन कर रहा हूँ। देखेंगे आपको, आपको बैक साइड में दो कैमरे मिलते हैं, ड्यूअल कैमरे मिलते हैं, बैक में फ्लैश लाइट भी आपको मिल जाती है। ड्यूअल कैमरे में आपको एक कैमरा 13 मेगापिक्सल का मिलता है और दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिलता है। और फ्रंट में आपको एक कैमरा मिलता है जो कि 8 मेगापिक्सल का है। और आपको यहाँ पे साइड, इस साइड में आपको पावर के बटन मिलता है, यहाँ पे आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन का 2 बटन मिलता है। यहाँ पे आपको नीचे जो हेडफोन है उसके जो स्विच होती है वो मिलता है, स्पीकर मिलता है, यहाँ से आपको डेटा केबल की जो इंसर्ट करने की जो स्विच होती है वो मिलती है। तो चलिए मोबाइल को मैं आपको बता देता हूँ कैसा, देखिए ऐसा है मोबाइल। मोबाइल ओपन हो गया, मैं आपको ब्राइटनेस बढ़ा के दिखाता हूँ। देखिए ये रहा फुल ब्राइटनेस में। यहाँ पे ये खास बात ये लगी कि यहाँ पे आपको ऑटो ब्राइटनेस का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि यहाँ पे साइड में ये ए है, इसको अगर हम ऑन कर देते हैं तो जैसे आप धूप में जाएंगे ऑटोमेटिकली ब्राइटनेस बढ़ जाएंगी, आप जैसे ही छाव में होगा ऑटोमेटिकली ब्राइटनेस कम हो जाएगी। देखिए मैं बताता हूँ आपको ऑन करके, देखिए इस हिसाब से इतनी ब्राइटनेस है। ये तो हो गई बात, चलिए मैं आपको कैमरा एक ऑन करके बता देता हूँ। ये कैमरा है, इसकी एक फ़ोटो खींच के मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने कैमरा की फ़ोटो खींची है, बहुत ही अच्छी कैमरे की क्लियरिटी भी है। तो ये थे ये मोबाइल। और इसके बाद मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि इसमें आपको बिगेस्ट बैटरी मिलती है, जो कि यहाँ पे हमें कवर में ही लिखा हुआ मिल जाता है। देखिए बिगेस्ट बैटरी, तो अगर आप अच्छी खासी बैटरी वाला फ़ोन अच्छे खासे बजट में लेना चाहते हैं, यानी अगर आपका बजट 8,000 रुपये है तो ये आपका आपके लिए बेस्ट फ़ोन है, आप परचेज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि इसमें आपको
4200 mAh की बैटरी मिलती है जो कि बहुत ही अच्छी है। अगर आप यूज़ नहीं करते ना कुछ ऐसे, आप फ़ोन आने जाने के लिए यूज़ करते हैं तो आपको इसमें 3 दिन या फिर 4 दिन के लिए इसको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप मोबाइल को ज़्यादा यूज़ करते हैं, इंटरनेट के मेरी तरह ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आप में आप इसको आसानी से एक दिन पूरा दिन या फिर 2 दिन तक आसानी से चला सकते हैं। तो यही था, इसमें स्क्रीनशॉट लेके बताता हूँ मैं आपको। देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया, तो यही था फ्रेंड्स। तो अगर आप 8000 के बजट में कोई भी फ़ोन लेना चाहते हैं तो ये बेस्ट फ़ोन है। अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो परचेस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।